नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में। इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू करवाते हैं इंडस्ट्री स्टारों के बीच चल रही हर हलचल भरी खबरों से, और आज भी हम ऐसे ही कुछ हलचल भरी खबरें चुनकर आपके लिए ले आए हैं, जिनमें पहली खबर जुड़ी है निरहुआ आम्रपाली की जोड़ी से। निरहुआ आम्रपाली की जोड़ी भोजपुरी की हर फिल्मों में बहुत लोकप्रियता बटोरती है, बहुत पॉपुलर है, हर मायनों में इनकी फिल्में हिट होती रही हैं, इसीलिए हर इवेंट पार्टीज में ये जोड़ियां एक साथ नजर आती हैं। लेकिन अब सिर्फ भोजपुरी तक ही इस जोड़ी की लोकप्रियता सीमित नहीं रह गई है, हिंदी टेलीविजन और बॉलीवुड के भी जितने सितारे हैं अगर वो भोजपुरी में आके फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं तो सिर्फ इसी जोड़ी को चुन रहे हैं। इसका एक उदाहरण आप लोग पहले प्रियंका चोपड़ा को ले सकते हैं, जिन्होंने अपनी दो फिल्मों का निर्माण किया और दोनों फिल्मों के लिए इसी जोड़ी को चुना। अब एक बार फिर से हिंदी टेलीविजन सीरियल की क्वीन एकता कपूर वेब सीरीज बनाने का निर्णय ले चुकी हैं, और इस वेब सीरीज के लिए इन्होंने इसी जोड़ी को चुना है लीड रोल में, जिसकी शूटिंग इन दिनों जोरों शोरों से चल रही है। हीरो वर्दी वाला इस वेब सीरीज का नाम है, जो जल्द ही बनकर तैयार होगी और आप लोगों के सामने भी आएगी। तो बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है खेसारी लाल और उनकी बेटी से। खेसारी लाल यादव और उनकी बेटी कीर्ति ने हाल ही में अपनी फिल्म दुल्हन गंगा पारकर का खूब प्रमोशन किया है। हाल ही में दोनों बाप बेटी पहुंचे थे अपने गांव, जहां मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद इन्होंने वहाँ अपनी फिल्म का खूब नाम किया, प्रचार प्रसार किया, और हो सकता है इसका फ़ायदा भी कीर्ति को मिले। वेल, एक दिन बाद कीर्ति की फिल्म रिलीज़ हो रही है दुल्हन गंगा पार के सिनेमाघरों में, तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि खेसारी की और कीर्ति की ये मेहनत कितनी रंग ला पाती है। और एक तरफ काजल राघवानी भी, मतलब पूरी स्टारकास्ट मिलकर इस फिल्म को खूब प्रमोट कर रही है, और पहले से ही इस फिल्म का नाम काफ़ी ज़्यादा था दर्शकों में, जिसे देख कर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खेसारी की इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में भारी भीड़ लगनी तय है, क्योंकि इतना नाम है, 2 साल से फिल्म का इंतज़ार दर्शक लोग कर रहे हैं। कभी आती है, कभी रिलीज होती है, कभी रिलीज़ होने की वो टलती है, डेट टलती है, फिर वापस से उसी डेट पर टलती है। मतलब आप कह सकते हैं कुल मिलाकर इस फिल्म की इतनी चर्चाएं हुई हैं जितने इस फिल्म के स्टारकास्ट की नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है लोगों को पसंद तो आएगी ही। तो 18 तारीख को देखना दिलचस्प होने वाला है कि लोग इस फिल्म को कितना देख पाते हैं। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है बिहार और झारखंड में खेसारी का प्रमोशन करना लाभदायक रहा है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, खेसारी और कीर्ति गए थे अपने गांव बिहार छपरा, वहां पर इन्होंने पूजा पाठ की मंदिर में और अपनी फिल्म को प्रमोट किया, तो इसका फ़ायदा अब खेसारी कीर्ति को इस तरह से मिला है कि सुनने में आया है बिहार झारखंड में दुल्हन गंगा पार के देखने के लिए, दुल्हन गंगा पार के फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में सीट की अभी से एडवांस बुकिंग होने लगी है। और जब एडवांस बुकिंग होने लगी है तो जाहिर सी बात है पहले दिन की कमाई ही ज़्यादा होगी और कलेक्शन भी अच्छा होगा और ओपनिंग भी बम्पर मिलेगी, क्योंकि इतने सारे लोग अगर पहले से एडवांस बुकिंग कर रहे हैं तो देखने तो ज़रूर जाएंगे। खैर, बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है गुंजन सिंह से। गुंजन पंत को अभी तक आप इंडस्ट्री में सुनते आए हैं जो एक्ट्रेस हैं, लेकिन पहले मेल कलाकार भी हैं। गुंजन सिंह जो गायक से नायक बने हैं और बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोकप्रिय हुए हैं अपने गानों से, लेकिन अब एक इनकी फिल्म भी आ रही है जिससे ये उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इससे पहले 2 फिल्मों की शूटिंग ये कर चुके हैं और अब तीसरी फिल्म सामने आई है जो रिलीज भी होने जा रही है। फिल्म का नाम है उड़ान और ये फिल्म भी 18 तारीख को ही रिलीज़ होगी और सिनेमाघर में, यानी 2 फिल्मों के साथ ये तीसरी फिल्म एक ही दिन रिलीज़ हो रही है, तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि जब इतनी सारी फिल्में रिलीज़ होंगी एक साथ तो दर्शक किस फिल्म को पसंद करेंगे, क्योंकि गुंजन को अभी तक आप लोगों ने फिल्म रिलीज़ होते हुए नहीं देखा है, शूटिंग देख लिए हैं, उनकी वीडियो क्लिप्स देख लिए हैं, लाइव आते हुए मुहूर्त में आप लोगों ने उनके इंटरव्यू सुन लिए हैं, लेकिन पहली बार आप लोगों ने उड़ान फिल्म में एक्टिंग के साथ देखेंगे जो एक दिन बाद यानी 18 तारीख को रिलीज़ हो रही है बाकी की 2 फिल्मों के साथ। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है भोजपुरी के एक ऐसे स्टार से जो बहुत व्यस्तम में से एक हैं, जिनका नाम है राकेश मिश्रा, जो बचपन से आपको भोजपुरी गीत सुनाते आए हैं और झुमाते आए हैं, लेकिन अब उनकी एक फिल्म भी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगी जिसका नाम है रामकृष्ण बजरंगी, जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में ये फिल्म है, जल्द ही बनकर तैयार होगी और आप लोगों के लिए पर्दे पर भी रिलीज होगी। लेकिन उससे पहले राकेश मिश्रा का एक रूप सामने आया है जिसमें वो कृष्ण कन्हैया
बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे कृष्ण कन्हैया तो वो रियल मायनों में भी हैं, उनके जरा आप वीडियो के मतलब उनके जो गाने आते हैं, एल्बम आते हैं, उसके वीडियो देखिएगा जरा, आपको पसंद आए तो हमें भी बताइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आजकल बहुत कम लोगों को पसंद आ रहे हैं। गाना अच्छा गाते हैं कोई शक नहीं है, लेकिन वीडियो इनके थोड़े खटकते हैं। वेल, इनका कन्हैया वाला रूप दर्शकों को कितना पसंद आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ताबड़तोड़ इनके जहाँ एल्बम रिलीज होते जा रहे हैं, लाइव आकर दर्शकों से बातें करते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और दर्शकों से बातें भी करते हैं। अगर कोई मतलब जितने भी लोग हैं अगर कमेंट करें इनके अच्छाई बुराई सबको ये रिप्लाई करते हैं, और यही कारण है कि इनकी फेसबुक पर फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और बाकी के लोकप्रिय सितारों की तरह ये भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी खबरें आपको बताई हैं वो विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नजर। आजकल भोजपुरी के स्टार लोग के जलवा दिन ब दिन बढ़ले जा रहल बा। अब तो एनी लोग के जादू कुछ ऐसा सर चढ़ के बोल रहल बा कि अब जल्द एगो भोजपुरी के वेब सीरीज भी शुरू होके वाला बा, जेकरा में भोजपुरी के कई गो स्टार लोग नजर आई है। अब अरुआ सभे के बता दी ही कि वेब सीरीज के हिंदी के छोटा पर्दा के सबसे मशहूर निर्मात्री एकता कपूर शुरू करे वाला बाड़ी। आ ऐसे पहले ही एगो खबर आयल रहे कि यह वेब सीरीज में भोजपुरी के मेगा स्टार कहे जाए वाले रवि किशन मुख्य रूप से नजर आई हैं। आज जौन खबर आ रहल बा ओकरा अनुसार अब भोजपुरी के सबसे सुपरहिट जोड़ी कहे जाए वाला दिनेश लाल यादव निरहुआ आम्रपाली दुबे भी ये वेब सीरीज में नजर आई हैं। लोग अब बता दी ही कि ये वेब सीरीज काफी ज्यादा बजट में बनावल जा रहल बा। आ ई हीरो वर्दी वाला नामक वेब सीरीज में भोजपुरी के काफी सारा सितारा लोग भी नजर आई हैं। आ ई भोजपुरी के पहला वेब सीरीज होगी। भोजपुरी के देसी हीरो खेसारी लाल यादव जो कि आज के समय में भोजपुरी के स्टार तो है ही, लेकिन इन सब के अलावा खेसारी के बच्चे भी किसी स्टार से कम नहीं, क्योंकि उनके बच्चों से जुड़ी जानकारी भी दर्शक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। जी हाँ, तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को एक बार फिर से खेसारी की बेटी यानी कृति से जुड़ी एक खास जानकारी बता देते हैं। दरअसल में खेसारी लाल यादव का अपनी बेटी कृति के साथ की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर हुई है, जिस फोटो में खेसारी और उनकी बेटी बिल्कुल कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। और वैसे भी कृति अपने पापा के साथ हमेशा खुश रहती हैं। वैसे आप सभी को बता दें कि खेसारी और कृति के एक साथ होने के पीछे की वजह ये भी बताई जा रही है, क्योंकि 18 मई को पापा बेटी की एक साथ की फिल्म दुल्हन गंगा पार के रिलीज होने वाली है, और इसी फिल्म की वजह से कृति बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है। खेसारी लाल यादव के फिल्म दुल्हन गंगा पार के काफी चर्चा में रहे आए फिल्म के ट्रेलर भी लोग खूब देखला। 18 मई के फिल्म के भी रिलीज कर दियल। खास खबर जन बा कि ये फिल्म के एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकल बा। अब तक ले भारी मात्रा में एकर टिकट कुली बिक चुकल बा। जैसन के रुआ सभी जानते बानी कि खेसारी लाल के ये फिल्म काफी दिन से चर्चा में रहे, लोग ये फिल्म के बेसब्री से इंतजार भी करत रहे लोग। अब उस समय आ गई बा जब दर्शक लोग के इंतजार जल्द खत्म हो जाये। जैसन के रुआ सभी जानते बानी कि ये फिल्म में खेसारी लाल यादव के बेटी विशेष किरदार में नजर आई है। आ खेसारी लाल आ काजल राघवानी के रोमांटिक जोड़ी भी लोगन के देखे के मिली। आ ए फिल्म में आम्रपाली दुबे के जबरदस्त आइटम सॉन्ग भी बा। तो ई कहल गलत ना हो कि फिल्म मनोरंजन से भरपूर बा। दर्शक लोग के ए फिल्म में ऊ सब मसाला देखे के मिली जौन की ऊ लोग पसंद करे ले। आ बता दी कि ये फिल्म के 18 मई के सबसे पहले बिहार और झारखंड के सिनेमाघर कुली में रिलीज कर जायी, ओकरा बाद फिर और जगह पर भी ये फिल्म के प्रदर्शित कर जायी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गायक से नायक बनने की परंपरा काफी पुरानी रही है। इन लोक गायकों ने अभिनय के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाई और सफलता भी हासिल की। इस कड़ी में प्रसिद्ध लोक गायक गुंजन सिंह भी नायक के रूप में भोजपुरी सिनेमा में छाने को तैयार हैं। गुंजन की फिल्म उड़ान इस वीकेंड 18 मई को बिहार झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। विजन फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बनी भोजपुरी फिल्म उड़ान का ट्रेलर यूट्यूब पर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिसे दर्शक खूब पसंद भी कर रहे हैं। फिल्म को लेकर गुंजन सिंह काफी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके गानों की तरह फिल्म को भी बिहार और झारखंड में दर्शकों का बेहद अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। वे खुद भी बिहार के नवादा जिले से आते हैं। नवादा के अलावा पूरे बिहार में उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। लोग उनके लोकगीतों को खूब पसंद करते हैं। गुंजन की माने तो फिल्म की कहानी उनके निजी जिंदगी से काफी मिलती जुलती है। फिल्म का नायक एक स्ट्रगलर सिंगर है जो अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में काफी नाम कमाता है। इस फिल्म में गुंजन के अपोजिट मिस इलाहाबाद अंजलि बनर्जी हैं। फिल्म के निर्देशक अजय कुमार सिंह है। तो ये
ये थी आज की भोजपुरी की हलचल भरी खबरें जो हमने आपको बताई। अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।